हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं रोमेनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के पास में बेल आइकन होगी जिसे भी आप दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि प्ले स्टोर में आपको जो है पांच ऐसी अनोखी चीज़ें देखने को मिलेगी और एक ऐसे हिडन फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आपको शायद पता नहीं होगा। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऊपर कोने में एक तीन लाइन दिख रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे एक तीन लाइन दिख रही होगी आपको, है ना। तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको जाना है अपने सेटिंग्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा सेटिंग्स, आपको ये सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद सबसे पहला काम है जो है पेरेंटल कंट्रोल। दोस्तों, ये पेरेंटल कंट्रोल जो है एक तरीके से जो जो पेरेंट्स पेरेंट्स लोगों के लिए, उनके लिए ये पेरेंटल कंट्रोल। अगर मान लीजिए उनके बच्चे हैं जो उनका फ़ोन ले लेते हैं और तरह तरह की गेम्स और एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं, तो एक तरीके से इस पर एक लॉक लगाया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पेरेंटल कंट्रोल में आने के बाद में आपको जो है इसे ऊपर से टैप करके ऑन करना है। मैंने ऑन कर लिया है। अब आपको जो भी कोई पासवर्ड हो, जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो डाल लीजिए। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल लिया है, मैं ओके कर लेता हूँ। मैं दोबारा से पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 4, मैंने ओके कर दिया है। दोस्तों, ये पासवर्ड इसलिए लगाया जाता है, मान लीजिए आपके बच्चों को पता है, मान लीजिए गलती से पता चल गया कि आपने जो है एक पेरेंटल कंट्रोल जो आपने उनके लिए लगाया हुआ है, और मान लीजिए वो अगर इस ऐप सेटिंग्स में जाके ये पेरेंटल कंट्रोल ऑफ करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ, तो यहाँ पे जो है अभी तो खैर, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी तो ऑफ हो रहा है, लेकिन जब वो ऑफ करने की कोशिश करेंगे तब उनसे जो है एक पासवर्ड मांगा जाएगा, तो इसलिए लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है मैं लगा देता हूँ। इसमें दोस्तों ये एज है 3 साल के बच्चों के लिए, 7 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 16 साल और 18 साल। तो ये एज वाइज जो है, अगर आपके बच्चे जितने भी साल के हैं तो उस हिसाब से जो है आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लगा देता हूँ 7 साल के बच्चों के लिए। तो मैं नीचे आता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में ये सेव हो गया है, सेटिंग सेव। अब मैं आता हूँ बैक। बैक आने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी 7 साल के बच्चों के हिसाब से गेम्स और ऐप्स है वो ही सिर्फ यहाँ पे दिखेगी। आप देख लीजिए आराम से, सिर्फ बच्चों के हिसाब से जो गेम्स ऐप्स दिख रही है, बाकी बड़ों के हिसाब से नहीं दिख रही है। अब मैं एक बार आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, GTA सैन एंड्रियास। तो देखा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे GTA सैन एंड्रियास नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उस पर जो है पेरेंटल कंट्रोल लगा हुआ है, इसलिए जो है GTA सैन एंड्रियास गेम यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कहीं भी शो नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से कुछ काम आता है ये पेरेंटल कंट्रोल। तो मैं सिंपली जाता हूँ सेटिंग्स में, अब इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको कोने में से ऑफ करूँगा। तो देखा आपने, यहाँ पे पिन मांग रहा है, जिससे कि क्या आपके बच्चे जो है इसे ऑफ ना कर सके। ठीक है, तो मैं इसे अब ऑफ कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जिसका नाम है बीटा टेस्ट है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अगर एक बीटा टेस्टर बनना चाहते हैं, यानी कि मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, ये तो हम सभी को पता है, हम सभी यूज़ करते हैं, और जो इसका अपडेट आता है नॉर्मली वो सभी को पता चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी इसको अपडेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे नीचे आइएगा। नीचे नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिकम है, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा बिकम ए बीटा टेस्टर। तो आपको यहाँ पे यस आई एम इन करना है और आप जो है बीटा टेस्टर बन जाएंगे। दोस्तों, बीटा टेस्टर होने का एक फ़ायदा यह है, जैसे कि अगर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप जो अपना नया अपडेट जब लॉन्च करता है शुरू शुरू में, तो वो अपडेट सीधा आपको मिल जाएगा और जो आप मेल करेंगे वो सीधा डेवलपर को कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से काम करता है, मतलब कि आपको जो अपडेट मिलेगा वो जो नॉर्मल लोगों को मिलता है और सभी लोगों को अपडेट मिलता है, उससे आपको 1 महीने या 2 महीने पहले अपडेट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है बीटा टेस्टर कुछ काम करता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट फीचर की तरफ, जिसका नाम है विशलिस्ट।
तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा विश लिस्ट, और नहीं पता तो आप ये वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं जैसे चलता हूँ, कोई भी गेम है, कोई भी ऐप्स है, जैसे मान लीजिए WWE, ठीक है फ्रेंड्स, WWE टैप मेनिया। तो अब आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक ऐसे प्लस का सा, एक प्लस का सा कुछ बना हुआ है, एक चिट जैसा। तो आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद में नीचे देखो लिखा गया एडिंग टू विश लिस्ट। और यहाँ से भी नहीं हो, अगर यहाँ से भी नहीं करना चाहते तो आप बैग आइए। बैग आने के बाद में आपको WWE के नीचे 3 डॉट दिख रही होगी, उस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद में आपको नीचे दिख रहा होगा एड टू विश लिस्ट, तो आप यहाँ पे टैप कर दीजिए। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ ये विश लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। आप जाइए यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विश लिस्ट, ये रहा, तो आप टैप करिए और जो ये गेम यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों, मैं इसको सीधा रिमूव कर देता हूँ अब। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि विश लिस्ट कैसे काम करती है। दोस्तों, सपोज़ करिए आप कोई पेड ऐप्स या पेड गेम्स आपने कोई देखी है और आपको वो गेम पसंद आ गई, बट आपके पास उस टाइम पे पैसे नहीं है उसको डाउनलोड करने के लिए, या फिर आपके पास नेट कम है किसी ऐप्स को या गेम्स को डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में होता क्या है, आप सोचते हो कि कोई नहीं, हम बाद में डाउनलोड कर लेंगे जब नेट आ जाएगा। तो होता क्या है, जब अपने पास नेट आता है तब हम उस गेम के बारे में, ऐप के बारे में भूल जाते हैं कि उसका नाम क्या था और वो कौन सी ऐप थी। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से काम करती है विश लिस्ट। आप ये, आपको जो भी ऐप बाद में डाउनलोड करनी है तो उसको आप जो है विश लिस्ट में डाल लीजिए, और सिंपली जो है आप जाके यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि मैंने कौन सी ऐप जो है मेरे को डाउनलोड करनी थी, तो यहाँ पे आ जाएगी और सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है, भूलने का भी डर नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपन एक और नए फीचर की तरफ, जिसका नाम है अर्ली एक्सेस। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अर्ली एक्सेस कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे लिख रहा होगा, आप नॉर्मली देखते होंगे जैसे यहाँ पे अर्ली एक्सेस लिख रखा है, तो नॉर्मली ऐप्स में फ्री लिखा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे अर्ली एक्सेस दिख रहा होगा इन सब पे। अब मैं जैसे ये ऐप पे टैप करता हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पढ़िए क्या लिख रहा है, दिस ऐप इज़ इन डेवलपमेंट, इट मे बी अनस्टेबल। दोस्तों, होता क्या है, ये जो ऐप्स है ये अनरिलीज्ड होती है, यानी कि इनका जो प्रोसेस है, जो डेवलप होने का प्रोसेस है, वो भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो आप जो अर्ली एक्सेस में जो है, मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, इनका जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, इनका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगी ये ऐप्स, तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप अर्ली एक्सेस में आके सबसे पहले ही आप जो इस ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो अर्ली एक्सेस में यही है कि आप जो है वो इनको सबसे पहले यूज़ कर सकते हो, ऑफिशियली इंस्टॉल होने से पहले जो है आप इनको यूज़ कर सकते हो अर्ली एक्सेस में। और अगर आपको अर्ली एक्सेस में यूज़ नहीं करना तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब ये ऐप जो है रिलीज्ड हो जाएगी। तो ठीक है, बढ़ते हैं बैक, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फीचर की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पांचवें फीचर के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों, कई बार होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पहले क्रोम पहले चलता हूँ, ठीक है। दोस्तों, होता क्या है, चलिए मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूँ। आप चलेंगे, जैसे मैं ले चलता हूँ आपको मेरे प्ले स्टोर पर। अब आप यहाँ पे ढूंढते होंगे गूगल प्ले स्टोर, जैसे कि ये जो गूगल प्ले स्टोर है, ये आप जो है गूगल प्ले में ढूंढते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। गूगल प्ले सर्विसेज, चलिए मैं सर्च कर देता हूँ, ये लीजिए मैं सर्च कर दिया। तो दोस्तों, होता क्या है, गूगल प्ले सर्विस यहाँ पे अपने को नहीं मिलती है। ये देख लीजिए, कोई कॉपी है, उसकी कॉपी बनाई हुई, कोई कॉपी तो क्या गूगल की है, बट ये जो है वो गूगल सर्विसेज नहीं है, ये दूसरा है। तो आपको गूगल प्ले सर्विस गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलती है। और होता क्या है, मान लीजिए आपके गूगल प्ले सर्विस का अपडेट आया हो, या फिर कुछ भी आपको उसमें कुछ बीटा टेस्ट बनना हो गूगल प्ले सर्विसेज का, तो आपको वो यहाँ पे नहीं मिलती है। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में, मैं चलता हूँ क्रोम में, और आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है, जैसे कि मैंने सर्च करा है गूगल प्ले सर्विसेज। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे पहला जो है रिजल्ट दिख जाएगा, गूगल प्ले सर्विसेज, जिसके नीचे लिखा हुआ इंस्टॉल्ड, आपको इस पर टैप करना है। मैंने टैप कर दिया है, अभी अपने को सीधा ले चलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। सॉरी, सेटिंग्स पे ले चुका है। अब मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, रुकिए एक मिनट। गूगल प्ले सर्विसेज, अभी चलते हैं अपन गूगल प्ले सर्विसेज पे। मैंने इस पे टैप करा, सेटिंग्स और 3 डॉट हेल्प एंड फीडबैक। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको उस पर टैप करना है, और अगर आपका सीधा गूगल प्ले स्टोर में
एंटर कर जाता है वो तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर सेटिंग में ले आता है ये, जैसे कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद में अगर आपका गूगल प्ले स्टोर खुल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये गूगल सेटिंग्स पे ले आता है, तो आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको जो है हेल्प एंड फीडबैक पे टैप करना है। उसके बाद में होता क्या है, आपको जो है दोबारा से थ्री डॉट पे टैप करना है और आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर रिजल्ट दिख जाएगा, या दूसरे नंबर पे, या कहीं भी आपको रिजल्ट दिख जाएगा और लिखा होगा व्यू इन गूगल प्ले स्टोर, तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा, वहाँ पे ले जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिख गया है गूगल प्ले सर्विसेज, तो यहाँ से आप चाहे तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर आपका जो है गूगल प्ले का अपडेट आया है तो यहाँ से जो है सिंपली अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ले चलता हूँ आपको सीधे नीचे, और उसके 5 बिलियंस डाउनलोड तो होंगे ही, ऑब्वियसली होंगे, और आपको ले चलता हूँ नीचे। और अगर आप चाहते हैं इसका बीटा टेस्टर बनना तो यस आई एम इन कर दीजिए, और बीटा टेस्टर का फ़ायदा मैं आपको बता ही चुका हूँ, सबसे पहले अपडेट आपके पास ही पहुँचेगा, और अगर आप कोई फीडबैक सेंड करना चाहते हैं वो सीधा डेवलपर के पास ही जाएगा। तो बस दोस्तों यही थे वो 5 फीचर्स और 5 अनोखे जो बातें जो हमें कहीं पता नहीं होती है, और या फिर पता होती है तो हमें जो है इनका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।